हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2024 में आपका होने वाला है इलेक्शन, और यहाँ पे सभी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और उसी बीच आपका खबर आ रहा कि 9 महीने के अंतर अंतर तक आपका 8.5 लाख भर्तियां आने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती है रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली है। और मैं आपको बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण बात कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है वो आपका आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों छात्र को होने वाला है। ठीक है, कैसे फायदा होगा, कौन कौन सी डिपार्टमेंट से भर्ती आ रही है, कौन कौन सा पोस्ट आ रहा, कितना आ रहा नहीं आ रहा, और इसका पुष्टि कहाँ से हुआ, सारा इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल-पल का अपडेट आप सभी को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे-मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। अभी देखिए, अगर बात करेंगे सभी जितने भी अप्रेंटिसशिप आए थे, सभी का किसी का फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहा, तो किसी का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कैंडिडेट को मिल आ रहा, तो किसी का यहाँ पे सभी को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा। मतलब कुछ ना कुछ आए दिन आपको रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट आपको रेलवे का हर डिवीजन हर यूनिट के तरफ से देखने को मिल रहा। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और वहां पे क्लियरली, यहां तक कि सोचिए आप, जब यहां पे इलेक्शन आने वाला है, जब यहां पे चुनाव आने वाला है, तब जो सरकार का नजर है यहां पे अपने पुराने किए गए वादे पे गया है। ठीक है, और सरकार का मानना है कि अभी तक जो उन्होंने 10 लाख रोजगार का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जो सोचिए यहां पे 4 साल में पूरा नहीं हुआ, वो मात्र यहां पे 9 महीने में पूरा होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे के एस्पायरेंट है, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, सभी को अपना तैयारी को जोर में शोर में लग जाइए, क्योंकि जो आपका नया रिक्रूटमेंट आएगा उसमें आपको बिल्कुल भी समय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले तक रिक्रूटमेंट यहां पर कंप्लीट करवाना है। क्योंकि जब वोट मांगने जाएंगे तो कुछ तो यहां पर उनके पास आधार होना चाहिए, कुछ तो यहां पे आधार होगा, तो ही तो जाके बोलेंगे कि हमने इतना समय में इतना रोजगार दिया, ये काम किया, वो काम किया, ताकि सभी जो जितने भी युवा पीढ़ी हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, सभी उनको वोट डाले। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलिए, बाकी सारा डिटेल वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, इसका घोषणा डायरेक्ट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि NBT नव भारत टाइम्स में 18 अप्रैल का हम जो पेपर है उसे देख रहे हैं, और यहाँ पे सारा जो नोटिफिकेशन है आपका रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे रिलीज किया गया है। ये जो न्यूज़पेपर है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट करके ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 8.50 लाख सरकारी नौकरियां 9 महीने में आने वाली है। ये कौन बोल रहा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। उसके बाद देखिए, विशेष संवाददाता नई दिल्ली, आने वाले 9 महीने में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ठीक है, पीएमओ ने कहा है कि विभाग नौकरियां देने की रफ्तार तेज करे। आप देखिए यहाँ पे नौकरी के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे सरकार का जो नजर है अब यहाँ पे भर्ती पे गया है कि हाँ फाइनली हमने अभी तक कितना भर्ती दिया। इससे पहले आज तक नौकरियों पे चर्चा नहीं हुआ था। ठीक है, अब जाके यहाँ पे नौकरी पे चर्चा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब हमारा मुद्दा जो है इलेक्शन का आ रहा है, इसीलिए इलेक्शन से पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट भी कराना है। रोजगार मेले जल्द लगे। ठीक है, पिछले साल जून में सरकार ने 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो बात है वो कहा था। ठीक है, अभी तक 1.46 लाख नौकरियां दी गई, अभी तक अगर एवरेज मान के चलोगे राउंड फिगर करके तो 1.5 लाख नौकरियां दी गई है। ठीक है, मात्र 1.5 लाख, 10 लाख में से 1.5 लाख नौकरियां दी गई है, 8.5 लाख नौकरियां अभी भी बाकी है। पूरी कोशिश की जाएगी जनवरी तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा पूरा किया जाए। यहाँ पे देखिए क्लियर जो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे झलक रहा है कि जनवरी 2024 तक इलेक्शन में वोट मांगने से पहले तक यहाँ पे मोदी सरकार का कहना है कि पूरा जो अपना टारगेट है उसे यहाँ पे पूरा करने का पूरा से पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने इस बात से नाराज है कि वादे के अनुसार 10 लाख नौकरियां देने में तेज गति से काम नहीं हो रहा है। अब बताइए, अभी पीएमओ यहां पे नाराज है कि तेज गति से काम नहीं हो पा रहा रिक्रूटमेंट, और यहां पे वैकेंसी नहीं आ रहा। तो आप बताइए, वैकेंसी तो सब जगह है, किस में वैकेंसी नहीं है, एसएससी में वैकेंसी नहीं है, रेलवे में वैकेंसी नहीं है, सबसे ज्यादा तो 3 लाख के आसपास रेलवे में सिर्फ वैकेंसी है। और आने वाला टाइम में कम से कम अगर बात करें तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर तक रेलवे का नया रिक्रूटमेंट देखने वाला है। ठीक है, पीएमओ ने कहा विभाग नौकरी देने की रफ्तार तेज करे। तो आप यहां पर जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसमें आपको लेंदी प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि उसका एग्जाम भी टाइम पे होगा, रिजल्ट भी टाइम पे आएगा, ज्वाइनिंग भी टाइम पे होगा। अगर आपको याद होगा तो 18 का वैकेंसी को एक बार आप देखिए, 18 का वैकेंसी में कितना जल्दी आपका नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप हुआ, एग्जाम हुआ, और सभी कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दिया गया जो सुटेबल थे, जो एग्जाम क्वालिफाई किए। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आपका आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले छात्र को होने वाला है। कैसा,
जो रेलवे से भर्ती आएगी ALP और आपका टेक्नीशियन की आएगी, ठीक है, जिसमें ITI वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने 12th PCM से किया वो सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो लेवल वन है आपका, जो ग्रुप डी था आप ग्रुप सी में चला गया, अगर उसका वैकेंसी आ जाता है, कम ही पोस्ट आता है, तो आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th पास वाले तो आप भविष्य में ग्रुप डी का फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आया था कि आगामी जितना भी लेवल वन पोस्ट का भर्ती आएगा उसमें आपको 10th पास वाले कोई भी कैंडिडेट को मौका अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे कौन कौन से, ITI पास वाले छात्र फॉर्म भरेंगे और अप्रेंटिसशिप पास वाले मात्र छात्र जो फॉर्म भरेंगे, अगर आपने 12th भी कर रखा है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डिप्लोमा को भी मौका नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि बीटेक वगैरह भी जो कर रखे हैं वो भी अब ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते। कौन कौन भर सकते हैं, जो ITI किए हैं या फिर जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं वही भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि DRDO IOCL सरकारी या फिर प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किए हैं वो भी अगर सोच रहे हैं कि हम भविष्य में फॉर्म भर पाएंगे तो ये उनका गलत फहमी है, वो सभी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ITI या फिर अप्रेंटिसशिप वाले छात्र ही लेवल वन का पोस्ट आने वाले टाइम में भर पाएंगे। अगर RPF का वैकेंसी आता है, RPF कॉन्स्टेबल SI का, तो जिसमें 10th और 12th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल का आएगा तो उसमें जो आपका क्रिटेरिया मेडिकली से रिलेटेड क्रिटेरिया होता है वो सारा जो फुलफिल करेंगे वो वहां पे फॉर्म भर पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत जल्द आपका नया रिक्रूटमेंट आने वाला है और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि जल्दी से जल्दी यहां पे नया भर्ती का जो काम है उसे शुरू किया जाए। जैसे ही आपका ग्रुप डी का यहां पे ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, NTPC का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बस तुरंत आपका ALP और टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहां पर तैयारी कर रहे थे, खासकर ITI और अप्रेंटिसशिप वाले छात्र सुन लीजिए, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे सभी को आप अपना अंतिम धार देने का समय आ गया है, क्योंकि आप आपको उतना समय देखने को नहीं मिलेगा कि 5 साल तक आपका प्रोसेस चल रहा है, एक बार एग्जाम फॉर्म भरा गया तो सालों ऐसे पड़ा है, 2 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, 3 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 2 साल में आपका ज्वाइनिंग वगैरह सारा कंप्लीट करा लिया जाएगा नया रिक्रूटमेंट आने से, ठीक है, क्योंकि सारा यहां पर टाइमली होगा, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले आपका प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट फाइनली अपनी प्रिपरेशन को अंतिम धार देने में लग जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।